कौन नहीं चाहता कि हमारा देश शहर गांव, वातावरण पर्यावरण व घर साफ सुथरा हो। यूं तो हिमाचल प्रदेश में शौच मुक्त होने का आंदोलन वर्ष 2006 में शुरू हो गया था, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2 अक्टूबर 2014 को हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की तो ये जन आंदोलन बन गया। आज हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा स्वच्छता की अलख जगा रहा है। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। A से apple, B से ball, C से cat, D से doll के अलावा बच्चे स्वच्छ व साफ रहने की अच्छी आदतें सीख रहे हैं। अगर कीटाणु नहीं जाएंगे तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। कौन कौन सी बीमारी हो जाती है? उल्टी, दस्त, फिलेरिया, डायरिया। इससे बचने के लिए हाथ धोने चाहिए। स्वच्छता धीरे धीरे आदत बनती जा रही है। कूड़े को इकट्ठा करना, उसका संवर्धन करना, नए पेड़ पौधे लगाना, गोबर की खाद का इस्तेमाल करना, ये ऐसी सोच है जो स्वच्छता आंदोलन से निकलकर बाहर आई है। हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है। हर साल करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने आते हैं, लेकिन पर्यटक खूबसूरत वादियों में बोतलें, चिप्स के पैकेट आदि फेंक कर चले जाते हैं। लाहौल स्पीति में चंद्रताल के लोगों ने ये ठाना कि वे हफ्ते में एक बार अपने इलाके की सफाई करेंगे। स्वच्छता आंदोलन के कारण बहुत सी सामाजिक बुराइयां भी सामने आई। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में माहवारी के दौरान महिलाओं को पशुओं के साथ रखने की परंपरा थी, लेकिन स्वच्छता के साथ ये सोच भी बदल गई। स्नान करना है लेडीजों को, अपनी दिक्कत होती है, जैसे डेट आती है फिर भी लेडीजों को दिक्कत होती है। अब सबके ऐसे के अंदर ही है सबको नहाने के लिए। हाँ जी, कहीं ना कहीं स्वच्छता के आंदोलन के साथ महिलाएं जुड़कर सशक्त हुई हैं। बेकार पड़ी वस्तुओं से सामान बनाने के कारण अनेक महिलाओं को रोजगार मिला है। वहीं समाज में नशे की प्रवृत्ति के हालात भी उजागर हुए हैं। कूड़ा करकट इकट्ठा करते समय बड़ी संख्या में शराब की खाली बोतलों की बरामदगी से ये पता चला कि समाज किस तरह से नशाखोरी की ओर आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों के घर गए उनको नशे से किस तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे हम शराब पियेंगे, बीड़ी पियेंगे तो आजकल देखो कितनी तरह की बीमारियां फैल रही हैं। इन सभी चीजों के बारे में हमने लोगों को समझाया कि अगर जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, अगर हम इस तरह का वो करेंगे तो इसका प्रभाव उन पर पड़ेगा, और फाइन लगाने का भी उनको किया कि हम आपका फाइन आपसे फाइन लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश 2019 तक पूरी तरह से शौच मुक्त होने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। प्रदेश में 14 लाख घरों में से 12 लाख से अधिक घरों के पास शौचालय मौजूद हैं। इस साल सरकार लगभग 1 लाख नए शौचालय बना रही है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश स्वच्छता की सफलता की एक नई कहानी लिख रहा है। नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज, शिमला। ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा।